दूसरा दूसरा लेक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इसमें हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। पहला वीडियो अगर न देखे हो तो आई बटन में लिंक दी जा रही है, वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा कूलम्ब्स लॉ के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, सुपरपोजिशन क्या होता है, तो सब कुछ बारे में देखेंगे और साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। प्लस में ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए नहीं है, जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको सब मेथड क्लियर हो जाएगा। आज हम चलिए बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कब कब ये होल्ड करता है कूलम्ब्स लॉ, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हेडिंग लगा लेंगे कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले उससे पहले हम बता देना चाहेंगे कूलम्ब्स लॉ होल्ड कहाँ कहाँ करता है। देखिए, जब दो चार्ज, ध्यान दीजिएगा, दो चार्ज है, मान लीजिए ये भी क्यू है ये भी क्यू है, प्लस क्यू हो माइनस क्यू हो उससे नहीं मतलब, चार्ज है, दो चार्ज है, और ये होल्ड करता है दो पॉइंट चार्ज के लिए। इसके लिए दो पॉइंट चार्ज के लिए, यहां पर अब पॉइंट चार्ज क्या होता है पहले इसके लिए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये चार्ज हुआ, ये चार्ज हुआ, ये क्यू चार्ज, ये भी क्यू चार्ज, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। लेंथ की अपेक्षा इसकी जो चार्ज की साइज है बहुत ही छोटी है, तब ये कहलाएगा हमारा पॉइंट चार्ज। तो कूलम्ब्स लॉ जो होल्ड करता है वो पॉइंट चार्ज के लिए ही होल्ड करता है, जनरली चार्ज के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे दो चार्ज रख दे रहे हैं, एक मान लीजिए प्लस क्यू रखे हैं माइनस क्यू रखे हैं, तब ये होल्ड नहीं करेगा, यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ध्यान समझ लीजिएगा, तो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ लगने की कोई भी गारंटी नहीं है, मतलब है ही नहीं, कूलम्ब्स लॉ लगेगी नहीं। कूलम्ब्स लॉ ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज में लगता है। पॉइंट चार्ज जैसे मान लीजिए, माना कि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इतने बड़े चार्ज, मान लीजिए सपोज दैट, तो आप लेंथ बढ़ा दीजिए, लेंथ की अपेक्षा यदि बहुत ही छोटे हैं चार्ज, तब वो पॉइंट चार्ज कहलाएंगे और पॉइंट चार्ज के लिए ही होल्ड करेगा कूलम्ब्स लॉ। दूसरी चीज अभी हम आगे लिखवाएंगे पॉइंट में, बट आपको पहले हम समझा रहे हैं। दूसरी चीज कब होल्ड करता है, जैसे मान लीजिए दो के दोनों चार्ज क्या हो, दोनों पॉइंट चार्ज क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब या फिर रुके हुए हो, चल नहीं रहे हो, नॉट इन मोशन, नॉट इन मोशन, तब ये होल्ड करेगा। अगर ये दोनों बोथ इन मोशन, दोनों अगर मोशन में चल रहे हैं तब ये क्या करेगा, होल्ड नहीं करेगा। अगर दो के दोनों गतिमान है चार्ज, तो ये चार्ज, ये कूलम्ब्स लॉ होल्ड नहीं कर सकता। और कब होल्ड करता है, यदि वन ऑफ देम इन मोशन, अगर इनमें से कोई एक हमारा मोशन में हो तब जाकर ये होल्ड करेगा। हम पॉइंट वाइज लिखवाएंगे, लेकिन पहले आपको बता रहे हैं, ये दोनों हमारे गतिमान में हो तब जाकर होल्ड नहीं करेगा, दोनों अगर गतिमान में नहीं हो, दोनों स्थिर हो, तब ये होल्ड करेगा, या तो एक गतिमान हो एक स्थिर हो तब ये होल्ड करेगा, मतलब दो के दोनों अगर गतिमान हो गए तब ये चार्ज होल्ड नहीं कर होने वाला। ठीक, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कूलम्ब्स लॉ के बारे में, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, पहले हम आपको समझाएंगे, फिर आपको डिफिनीशन खुद ही बनाने में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। हमने दो पॉइंट चार्ज लिया, क्या लिया, दो पॉइंट चार्ज लिया, समझ पा रहे हैं, मान लीजिए प्लस क्यू हो गया, ये भी माइनस क्यू हो गया, सपोज दैट कुछ भी हो गया। अगर देखिए यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू है, हमने पहले वीडियो में बताया था यदि प्लस है माइनस है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, यदि प्लस और प्लस है तो ये रिपेल करेंगे, अगर माइनस और माइनस है फिर भी ये रिपेल करेंगे, मतलब डिफरेंट चार्ज होंगे तब ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम सेम चार्ज हो गए तब क्या करते हैं, ये रिपेल कर जाते हैं। ठीक, चलिए अब हम बताएंगे, यहां पर एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, दोनों जब प्लस माइनस है तो इनका डायरेक्शन इस दिशा में होगा। मान लिया इसके बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल आर है, आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, ए मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, इसके बीच का डिस्टेंस आर है। ठीक, अब करना क्या होता है, इसमें हमारा कूलम्ब्स लॉ लगेगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट चार्ज है। ठीक, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स लिखेंगे, द अट्रैक्टिंग, द अट्रैक्टिंग या अट्रैक्शन आर
रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस कह रहा है अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स। अट्रैक्शन कब होगा? जब चेंज चार्ज होंगे हमारे, एक प्लस होगा या दूसरा माइनस होगा। अगर दो के दोनों हमारा प्लस हो गए, दो के दोनों हमारे माइनस हो गए, तब जाकर ये क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। इसलिए हमने लिखा द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज के बीच में। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ बॉथ चार्जेस, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ वो टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब जो हिंदी बोर्ड के बच्चे होंगे वो तो परेशान, पता नहीं क्या लिखवा दिए। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, जैसे हम बोला करें वैसे आप लोग टाइप कर लिया कीजिए कि किसी भी, ध्यान समझिएगा, द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, कोई भी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल किसी दो बिंदु चार्जों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ध्यान समझिएगा, किन्हीं दो पॉइंट चार्जेस अर्थात बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उन दोनों चार्जों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई रिपीट, किसी भी, ध्यान समझिएगा, द अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन फोर्सेस, समझिएगा, अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन फोर्सेस किसी दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके कहने का मतलब ये है, मतलब एफ जो लग रहा है इधर भी लग रहा है, एफ जो लग रहा है इधर भी लग रहा है, जो फोर्स है अट्रैक्शन, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अगर यहाँ पर सेम चार्जेज होते तो रिपल्सन फोर्स लगता, वो क्या होगा? इज प्रोपोर्शनल टू, कह रहा है प्रोपोर्शनल टू किसके? इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मतलब क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाय, ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा। यहां पर इसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, यह नहीं कि प्लस है माइनस है ये लिया जाएगा, ना प्लस हो कि माइनस हो, सिर्फ उसकी वैल्यू क्या है, क्यू है। अगर वहां पर प्लस का 2q होता, माइनस का 2q होता, सिर्फ 2q रखा जाता, प्लस का 2q होता, माइनस का 3q होता, 2q और 3q रखा जाता बस, अपान, और कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, मतलब 1 अपान में किसके? इनके बीच की दूरी के वर्ग के। तो इसके बीच की दूरी क्या है? r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये ही हुआ हमारा कूलम्स लॉ। अगर हम इसको थोड़ा सा और लिखेंगे तो f प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर अपान r स्क्वायर, समझ में? अगर हम इसको जब हटाते हैं, यहां पर हम जानते हैं जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो कुछ ना कुछ आप कांस्टेंट यूज करते हो, कांस्टेंट यहां पर यूज किया जाएगा, एफ इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये चीज हम लिखेंगे। अगर यहां से आपको, समझिएगा ध्यान से, दो चार्जेस हैं, वो भी हम हमेशा पॉइंट चार्ज की बात करेंगे इस लेक्चर में, प्लस का क्यू वन चाहे जिस तरफ ले लिए, माइनस का क्यू टू, या क्यू वन क्यू टू मान लो, प्लस माइनस ना मान लो, तब जो फोर्स लगेगा, यहां पर अगर प्लस प्लस होगा तो चेंज लगेगा, प्लस माइनस होगा, यहां पर नहीं लिखा है तो प्लस प्लस लगेगा, तो यहां पर क्या लगने वाला है हमारा, इस तरफ फोर्स लगेगा। अगर इसका नाम दे दें ए, इसको नाम दे दें बी, तो इस पर जो फोर्स लगेगा एफ पर, किसके कारण लग रहा है? ए पर फोर्स लग रहा है किसके कारण? बी के कारण, समझिएगा ध्यान से तभी समझ पाएंगे। मतलब जो फोर्स लग रहा है इस पे ए पर किसके कारण? बी के कारण। और इधर जो फोर्स लग रहा है यह पे, किस पर फोर्स लग रहा है? बी पर, किसके कारण? ए के कारण। ये चीज,
तब जो यहाँ पर फोर्स होगा F इक्वल टू वन अपार फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पहला चार्ज Q1, उन दोनों को प्रोडक्ट के बराबर होता है Q1 Q2 अपार आर स्क्वायर। इट इज ए कूलम्स लॉ। सबको समझ में आ? किसी कोई दिक्कत? समझ लीजिए कि दोनों आवेशों के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हम अब इसका हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म क्या होता है। फटाफट नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिए, नोट कीजिए। और जो कांस्टेंट हमने लिया है, जो कांस्टेंट लिया ये किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा बताइए जल्दी। ये डिपेंड अपॉन मीडियम, जो कांस्टेंट हो रहा है, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। समझ पाए? चलिए, कुछ बच्चे अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि इतना एकाएक कैसे हो गया। देखिए, इसके कहने का मतलब था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2, और दूसरा कह रहा था F इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जब इसको कंबाइंड करेंगे F इज Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब समझ में आया? प्रॉब्लम तो नहीं हुई? चलिए, जब तक नहीं आपको समझ में आएगा फिर तब तक हम समझाते रहेंगे और आराम से आप लोग समझिएगा। तो वेक्टर फॉर्म जानने से पहले आप इनवर्स स्क्वायर ला जान लीजिए क्या होता है। इनवर्स स्क्वायर ला, इनवर्स स्क्वायर ला हेडिंग डालेंगे, इनवर्स स्क्वायर ला। अब ये क्या होता है इनवर्स स्क्वायर ला? इनवर्स स्क्वायर ला ये बोलता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपान आर स्क्वायर बोली, या फिर एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जो फोर्स होता है उन दोनों चार्जों के बीच की जो दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो हम पढ़ चुके हैं। तो यही हमारा बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर ला। नोट कीजिए फटाक से, तब हम आगे चलते हैं। नोट कर लिए पक्का? चलिए, जैसे मान लीजिए ग्राफ के तौर पर अगर आपको हम दिखाना चाहें कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं। मान लीजिए फोर्स ये है और ये हुआ इसका जो ग्राफ होगा, कुछ ऐसा ग्राफ टच नहीं करेगा, मतलब इसका जो ग्राफ आने वाला है कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक, इसका जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा, ये आर सेपरेशन। ठीक, मतलब एफ की जो वैल्यू आएगी आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट कर लिए। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कुछ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। कैसे पूछा जाएगा ये समझेंगे। कभी कभी बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बोर्ड लेवल के। हालांकि मैं हाई लेवल तक क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि जो बोर्ड के भी बच्चे हैं वो भी आगे जाके तैयारी करेंगे। अभी से तैयारी करना चालू, हम तो कहते हैं कि आईआईटी जेई अगर क्वालिफाई करना है आपको, नाइन्थ से ही स्टार्ट कर दीजिए आप पढ़ना। फिर भी अगर नाइन्थ से नहीं किया हो तो इलेवंथ से जरूर स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब ट्वेल्थ से स्टार्ट करते हो तो उतनी चीज़ें समझ में नहीं आती, इसलिए इलेवंथ से ही मेहनत करना चालू कर दो। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे तब समझ में आएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि यदि दोनों पॉइंट चार्जों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कर दिया जाए, डिस्टेंस क्या है दोनों पॉइंट चार्जों के बीच में, हाफ कर दिया जाए। डिस्टेंस क्या है, हाफ कर दिया जाए, मतलब आर इक्वल टू आर बाई टू कर दिया जाए, आर डैस अगर निकाल लिया जाए तो फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा। तो क्वेश्चंस कैसे बनेगा वो चीज देखिएगा। क्वेश्चंस कहता है इफ द डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस बिकम हाफ बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस देन फाइंड फोर्स। तब हमें फोर्स जो फाइंड करना होता है, कैसे फाइंड करेंगे। तो दे क्या रहा है, गिवन आप लिखेंगे, जब सॉल्यूशन इसका लिखते हैं कि आर डैश इक्वल टू आर बाई टू दे रहा है, हमें एफ की वैल्यू निकालना है। सिंस वी नो दैट एफ इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर,
ये लिखते हो ना Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, हमें क्या दे रहा है, आर की जगह आर बाई टू दे रहा है, तो 1/4π ε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जगह आर बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, ये फोर ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, फोर टाइम्स आगे आ जाएगा, फोर 1/4π ε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, एफ डैश मान लीजिए हम नया निकाल रहे हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं आप, या फोर मान लीजिए, फोर टाइम ये किसकी वैल्यू होती है, एफ की वैल्यू होती है, चार गुना हो जाएगा, मतलब जो फाइन जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर टाइम्स होगा। और दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इफ जो डिस्टेंस है, पूरा हम नहीं लिखने वाले हैं, डिस्टेंस बिकम ट्वाइस, यस डिस्टेंस हमारा ट्वाइस कर दिया जाए, तब क्या करोगे, मतलब इसकी वैल्यू आर डैश वैल्यू टू आर दे रहा है, हम क्या निकालेंगे, या बराबर 1/4π ε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे 4π ε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर की जगह क्या लिखेंगे, इधर क्या होगा, ध्यान समझिएगा, ये आर की वैल्यू ऐसे नहीं निकालने वाले हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश निकाल रहे हैं ना, मतलब न्यू फोर्स निकाल रहे हैं, आर डैश की वैल्यू 2R, 4R स्क्वायर जाएगा, 4 बाहर कर लेंगे तो 1/4 क्या आ जाएगा, 1/4π ε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हम 4 से 4 4 जा 16 इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको इसकी वैल्यू फाइंड है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ होती है, एफ डैश बराबर 1/4 इंटू एफ, मतलब जो फोर्स है आपका, फोर्स हो रहा उसका 1/4 पार्ट ही आपको मिलने वाला है। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यदि हमारा जो, इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा फोर्स ही चेंज कर दिया जाए, फोर्स ही आधा कर दिया जाए, इफ फोर्स बिकम हाफ, फोर्स हाफ हो तो फाइंड न्यू रेडियस, फाइंड न्यू डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट चार्जेस, बात पॉइंट चार्जेस, तब हमें दोनों चार्जों के बीच में हमें फाइंड करना हो तो कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है, मतलब जो एफ डैश न्यू एफ डैश की वैल्यू दे रहा है, एफ बाई टू दे रहा है, यदि हमारा फोर्स क्या हो, हाफ हो जाए, फोर्स हमारा एफ होता है, फोर्स क्या, न्यू फोर्स क्या है, फोर्स का आधा है, तब हमें आर की वैल्यू निकालना है, तो हम जानते हैं सिंस एफ डैश इक्वल टू 1/4π ε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एफ की वैल्यू जो दे रहा है, तो एफ की वैल्यू क्या है, एफ बाई टू, न्यू फोर्स हमारा एफ बाई टू, बराबर 1/4π ε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, जनरली वो या फोर्स ही पूछता है, बट आपको आर की वैल्यू यदि निकालना हो तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, हालांकि एफ की वैल्यू दी रहेगी, चार्ज की भी वैल्यू दी रहेगी, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, क्या आ जाएगा, आर की जब वैल्यू निकालोगे इधर से आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर, ये ऊपर चलेगा 2/f 1/4π ε0 इंटू Q1 Q2, अब वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, और आर स्क्वायर है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, समझ में आया यहाँ तक, किसी को तो कोई दिक्कत होगी नहीं, चलिए हम आगे चलते हैं, अगली जो हेडिंग होने वाली है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ हेडिंग डालेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या होता है, एफ बराबर 1/4π ε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही तो होता है, ये कूलम्स लॉ, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको एक वैल्यू जरूर याद करनी पड़ेगी, एक वैल्यू याद करनी पड़ेगी कैसे, चलो अभी हम बता दें, जब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4π ε0 इंटू Q1 Q2 बाई, अब देखिए वेक्टर फॉर्म की बात हो रही है, तो वेक्टर फॉर्म हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ये चीज ध्यान देंगे, वैसा होता है कि जब आप यूनिट उसके किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो आर स्क्वायर, जगह आर स्क्वायर रहता ही है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर आर आ जाता है, यूनिट वेक्टर आर आ जाता है, अगर यहाँ पर पॉइंट चार्ज लिए गया हो, मान लीजिए ये ए हो
ए बी हो या 1 2 मान लीजिए, ये 1 हो ये 0.2 हो, इस पे प्लस का क्यू इस पे माइनस का क्यू चार्ज हो, इसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर हो। ठीक, यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब हमें निकालना क्या है, ध्यान समझिएगा, ये दोनों क्या अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, अगर सेम चार्ज होते तो रिपल्सन फोर्स लगाते, कोई भी चार्ज हो तो ये अट्रैक्शन फोर्स, ये इस पे फर्स्ट वाले चार्ज लग रहा है फोर्स, फर्स्ट वाले पर लग रहा है किसके द्वारा, दूसरे के, इस पर जो लग रहा है फोर्स दूसरे पे लग रहा है किसके कारण, पहले के कारण। ठीक, तो वेक्टर एफ जो निकलने वाला है, अगर वेक्टर एफ इसकी बात निकालें 1 2 1 2 इक्वल टू वेक्टर एफ 1 2 निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई, लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन और देखना पड़ेगा, एक रिलेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही। वेक्टर आर की वैल्यू होती है, यूनिट वेक्टर आर की, वेक्टर आर अपान मॉड वेक्टर आर, मॉड वेक्टर आर की वैल्यू आर ही होती है, तो आर क्या निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इनटू में वेक्टर आर तो रहेगा ही, इसकी वैल्यू आर होती है इसलिए आर स्क्वायर इनटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, ये निकला वेक्टर। ठीक, अगर हमें निकालना हो अलग अलग 1 2 के लिए निकालना हो, फर्स्ट चार्ज पर सेकेंड चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू में वेक्टर आर 1 2 हो जाएगा। ठीक, एक फॉर्म तो ये भी लिख सकते हैं, एक फॉर्म इसको अदरवाइज हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऐसा कुछ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहां तक तो कंफर्म हुआ। अब जो ये वेक्टर वाला फॉर्म लग रहा है इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर आर 1 2 है तो आर 1 माइनस वेक्टर आर, समझ में आया, ऐसा फॉर्म भी लिखा जाता है, मतलब फर्स्ट जब 1 2 आया तो फर्स्ट माइनस सेकंड, मतलब इसकी चर्चा कर रहे हैं सेकंड के कारण फर्स्ट पर लग रहा है, तो मतलब किस पर लग रहा है उतना उसका रेडियस माइनस आर 2, ऐसा करेंगे। ठीक, कंफर्म हुआ, चलिए नोट कीजिए फटाफट से, फटाफट नोट कीजिए, कर लिए, चलिए इसी प्रकार F21 के भी निकालेंगे, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय आर का क्यूब वेक्टर R21, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय आर का क्यूब, ये क्या हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, हम आपका कंफ्यूजन अभी दूर करते हैं, नोट कीजिए, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं थोड़ा शरारती दिमाग के होते हैं, थोड़ा नई चीजें सोचते हैं, हालांकि सही है, नई चीजें भी सोचना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो कैसे सोचेंगे, ऐसा इसलिए सोचेंगे जो मॉड वेक्टर आर है, दो क्वेश्चन उठते हैं, मॉड वेक्टर आर को इस फॉर्म में लिख दिए, क्या इसको मॉड के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर आर क्यूब इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ना, मॉड में वेक्टर आर का क्यूब ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अगर इसको लिखना भी चाहो जैसे ये आर क्यूब लिखा गया है तो इसको ऐसे भी लिख दो, 1 2 की बात हो रही है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का होल क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2 पे लग रहा है तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब, मॉड में जनरली आप लोग जानते हो मॉड वेक्टर आर की वैल्यू आर ही होती है, तो ऐसा भी लिख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक, चलिए समझ में आया तक ना, या तो इस प्रकार लिखो या तो होल का क्यूब ऐसे भी कर सकते हो, कुछ ऐसा या तो कुछ ऐसा, ठीक, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब बात आती है, कुछ बच्चे सोचे होंगे कि ये तो सर आर ही है, दोनों के बीच में आर ही फोर्स लग रहा है, तो कैसे जानेंगे R1 माइनस R2 कहां से हो गया, रुको अभी हम क्लियर करा देते हैं, हटा दिया जाए इसको, कई बच्चे सोचे होंगे, आप लोगों में से कितने लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आया था, चैट सेक्शन में जरूर लिखिए या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब देखिए, जैसे दो फोर्स था, ये भी हटा दिया जाए, दो फोर्स है, ये एक फोर्स इधर एक फोर्स, दोनों का प्लस क्यू चार्ज ही अगर हम रख देते हैं तो इनके इनके बीच क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ध्यान समझिएगा स्मॉल आर,
क्या है, जब इसमें रिपल्सन फोर्स लगे, मतलब दो चार्जेस हैं एक दूसरे से दूर जाने प्रयास करेंगे, दूर जाने प्रयास करेंगे, इनकी जो डायरेक्शन होगी कुछ इतने दूर पर हो जाएगी, मतलब थोड़ा दूर हो जाएंगे, जो दूर लगाने बाद प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज ना। अब इनमें देख रहे हैं अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही कारण होता है। जब हमारा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अगर मान लीजिए एक माइनस क्यू रख दिए होते और दूसरा हमारा क्या रख दिए होते, प्लस का क्यू रख दिए होते, तो ये कुछ सिकुड़ जाता, क्या हो जाता, सिकुड़ जाता, कुछ यहां पर आ जाता, ठीक, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, समझ पा रहे हैं, कुछ यही कारण होता है, समझ पाए, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी यहां तक। आपने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, आपने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर रूप, जो कि बहुत ही सिंपल था, सब लोग इसको जानते थे, ठीक। अगला अब हम चर्चा करेंगे 1/4πε0 की वैल्यू, 1/4πε0 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो चीज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक। चलिए देखिए, प्रैक्टिकली डिटरमाइंड है कि 1/4πε0 की वैल्यू 9×10⁻⁹ होती है। अगर इसमें चार्ज की बात कर लें, मतलब सॉरी यूनिट की बात करें, तो हम यूनिट निकाल सकते हैं, या बराबर 1/4πε0×Q1 Q2 लिखेंगे, अगर दोनों सेम चार्ज है, या फिर यूनिट निकालो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर निकलेगा। 1/4πε0 की जब वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर, मतलब इसकी जो है एफ को लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, ये क्यू क्या है, ये कूलाम, कूलाम का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, देखिए आप अभी भी नहीं समझ पाए क्यू है, इसके हमें यूनिट निकालनी है, क्यू निकालते लिखते किसे, क्यू बराबर होता है आई टी, आई को क्या लिखते हैं एम्पियर, टी को लिखते हैं सेकंड, ठीक, एम्पियर सेकंड, समझ पा रहे हो, या फिर इस प्रकार निकाल लो, या कूलाम को सी का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कूलाम का स्क्वायर जनरली लिख दो, क्या झंझट है। अगर हम और भी चर्चा करें, जैसे और भी हम चेंज रूप में निकालना चाहें सेकंड या फिर एम्पियर में, तो आप निकालोगे एम्पियर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, जब क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, ठीक, या तो जनरली ये जानते रहो ना, क्यू बराबर आई टी से हम एम्पियर और सेकंड में चेंज कर सकते हैं। कभी कभी आपके गुलाम ना दे करके आपको धारा दिया रहेगा कि इतने धारा प्रवाहित हो रही है, या फिर इतने एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है और इतने समय के लिए, तब कैसे निकालोगे, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक। ये तो वैल्यू निकली 1/4πε0, अब आपको वैल्यू निकालनी हुई इप्सिलॉन नॉट की, फाइंड वैल्यू ऑफ, बहुत बार पूछा जाता है फाइंड वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालो, चलिए हम इसी फार्मूले से निकालते हैं इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, निकालेंगे कैसे 1/4πε0, अगर हम यहाँ से इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें 1/5εo बराबर क्या हो जाएगा, 4π से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर 4π×9×10⁻⁹, या फिर हम इसको और भी लिखना चाहें तो 4 × π की वैल्यू होती है 3.14×9×10⁻⁹। जब इसको हम पूरा ओवरऑल सॉल्व करेंगे, ये तो 1/5εo की वैल्यू है, इप्सिलॉन नॉट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4×3.14×9×10⁻⁹, ठीक। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁹ बचेगा 36 मल्टीप्लाई में 3.14, मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 मल्टीप्लाई में 3.14 चार हासिल दो चार 12 13 14 3 ठीक। ये क्या वैल्यू आ रही हमारी 1/113.04 और मल्टीप्लाई में 10⁻⁹। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1/1.1, जब इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, तो इसकी फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है 0. आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 8 8 4
इंटू 10^-9। अब जब हम इसको लिखेंगे, जब हम पॉइंट को, इसीलिए हम इसको कैलकुलेशन बता रहे हैं, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। पॉइंट को जब हम राइट साइड ले जाते हैं 10^-9 में बढ़ता है, जब लेफ्ट साइड ले जाते हैं 10^+ में जाता है। तो राइट में ले जा रहे हैं कितनी बार, 1, 2, 3 बार। तो 8.84 × 10^-3 पहले आ गया क्योंकि 3 बार इधर ले गए और 10^-9 पहले से आता। क्या हो जाएगा, 8.84 × 10^-12। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई है। ये ऑलवेज आप ध्यान में रखेंगे, हमेशा आप इसको ध्यान में रखेंगे। नोट कर लीजिए फटाफट से, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपकी निकल गई। चलिए नोट कर लिए, आगे चले, हटा दिया जाए इसको, कन्फर्म इस लेक्चर में किसी प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। चलिए थोड़ा सा हम और एक चीज बताना चाहेंगे आपको, उसके बाद हम अगली लेक्चर बताएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम के लॉ में जो आप फोर्स निकाल रहे हैं उनमें क्या अंतर है। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है एफई 1/4π0 इंटू Q1 Q2/r² होता है। बट इसमें जो हम निकालते हैं एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, इसमें निकालते हैं, देखिए होता क्या है, 1/4π0 यहाँ पर रखते हैं, पूरा इसमें कांस्टेंट टर्म होता है, यहाँ पर क्या रखते हैं कैपिटल जी, जी m1 m2/r² जब हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान लिया जाता है तो कैपिटल एम मान लिया जाता है। तो ये कुछ है, अगर हम इसमें सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बात करें तो एक बार हम लिखेंगे पहले सिमिलैरिटी के बारे में, क्या क्या समानताएं हैं, और एक डिफरेंसेस, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनमें। चलिए इधर हम लिख रहे हैं, एक मिनट, ऐसे लिखेंगे तो आप समझोगे इधर की ही बात करें, इधर डिफरेंसेस। ठीक, सिमिलैरिटी क्या होती है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखिए दो के दोनों, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड हो, एफ जी इक्वल टू 1/r², दो के दोनों में यही सिमिलरिटी है, मतलब इनवर्स स्क्वायर ला, दोनों में क्या सिमिलर है, इनवर्स स्क्वायर ला, दो के दोनों आर स्क्वायर क्या होते हैं, देख रहे हैं ना, 1/r² 1/r² और क्या सिमिलरिटी हो सकती है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ सिमिलरिटी का, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है एड्स अलोंग द जॉइनिंग सेंटर, दोनों जुड़े होते हैं, एड्स अलोंग द जॉइनिंग सेंटर, एड्स अलोंग द जॉइनिंग सेंटर, दो के दोनों एक ही देख रहे हैं ना, दो के दोनों क्या होता है ऐसे ही होते हैं। तो दो मास पे, ये मास पे डिपेंड करता है, ये क्या करता है, मास पे डिपेंड करता है, और ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। और चीज देखेंगे डिफरेंसेस क्या है, फर्स्ट डिफरेंस देख लेंगे दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस निकल के आते हैं। पहले तो आप डिफरेंसेस बता दोगे, इसमें हमारा रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों होता है, एफई में जो होता है रिपल्सन, रिपल्सन एज वेल एज अट्रैक्शन, मतलब दोनों होता है, जब हमारा चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज सेम है तो रिपल्सन होगा, चार्ज डिफरेंटेस है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जबकि एफ जी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल और केवल अट्रैक्शन होता है, ओनली अट्रैक्शन, ओनली अट्रैक्शन। कैसे, देखिए कोई भी सरफेस है, यहाँ पर कोई छोड़ दो, बॉल आएगी नीचे ही ना, मतलब अट्रैक्ट ही होगी, हम बोर्ड और हमारे बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन बहुत ही वीक अट्रैक्शन होने के कारण हमको पता नहीं चल रहा है, हो तो हमारा अट्रैक्शन ही हो रहता है, रिपल्सन तो होता नहीं, हम इसके पास जा रहे हैं ये हमको दूर फेंक रहा है, या पृथ्वी पर छोड़ दो दूर चला जा रहा है, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये अपने माइंड में बैठा लीजिए। बैठाने क्या बात, वैसे ही सब लोग जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ आकर्षित ही करता है। ठीक, पहली तो ये चीज हो गई, दोनों में डिफरेंसेस है। दूसरी चीज, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इंडिपेंडेंट होता है किस पर, मीडियम पर, जबकि हमने बताया ये मीडियम पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, चाहे जो भी मीडियम हो उसमें अट्रैक्शन ही लगने वाला है, और
जैसे मान लीजिए आप वायु में हो, निर्वात में हो, कुछ भी हो, तो वह मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, वो खींचेगा तो अपनी तरफ खींचेगा ही। तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये डिपेंडेंट ऑफ मीडियम। दूसरी चीज एफ ई जो होगा ये हो, क्या होगा, डिपेंडेंट अपॉन मीडियम, डिपेंडेंट अपॉन मीडियम, जबकि ये क्या होने वाला है, इंडिपेंडेंट अपॉन मीडियम, इंडिपेंडेंट अपॉन मीडियम। नोट कर लीजिए, समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना है, अगले वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाने वाले हैं, वो चीज़ ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो अगला वीडियो हम न्यूमेरिकल्स पर ही बेस्ड बात करेंगे, उसके बाद हम अगला लेक्चर फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, दूसरे वीडियो में कोई भी परेशानी हो, न समझ में आया हो, आप जनरली विवेक मिश्रा 2870 हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप हमसे बातें कर सकते हैं, वहाँ पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्रॉपरली दिए जाएंगे। वहाँ पर जाइए, आप हमको अगर फॉलो कर लेंगे तो आपसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ साथ फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना हो फिर भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना हो क्योंकि अच्छी अच्छी पोस्ट हम करते रहते हैं, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना है, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। फटाफट से नोट डाउन कीजिए।